सो ऑल राइट गाइज, कैसे हो आप सारे के सारे? आई होप आप सारे के सारे बढ़िया होंगे। एंड यार, जिन लोगों को भी हिमलैंड्स की अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में नहीं पता चला कि वो कैसे वर्क कर रहा है, तो यार मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में समझा दूंगा वो कैसे वर्क कर रहा है। तो यार आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पर। एंड यार आप लोगों को अगर जानना है कि हिमलैंड्स का टाइमलाइन कैसे वर्क कर रहा है एक एनिमेशन के थ्रू, तो यार हिमलैंड्स के अल्टरनेट टाइमलाइन को जानने के लिए आप लोग ये वीडियो देखो, आप लोग को शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए। ब्रो मतलब गई भैंस पानी में क्या? क्यों? बिकॉज आपको यार वो डायमेंशन नहीं था डार्क हिमलैंड्स की तरह कि जिससे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, वो अलग टाइमलाइन था। और टाइमलाइन में अगर कुछ भी छेड़खानी करो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। टाइमलाइन क्या मतलब, समझा नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरी तरह से। ये देखो स्मार्टी, ये हमारी टाइमलाइन है जो बेचारी अकेले चल रही है बिना किसी नॉनसेंस चीज के। यहाँ पे विलन्स भी है, हीरो भी है, कुछ ना कुछ चलते रहता है हमारा। और ऐसे ही अगर आपको स्टीफन हॉकिंग का वो लॉ पता होगा, हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस है पर एक दूसरे को वो कनेक्ट नहीं होती बिल्कुल भी, वो पैरेलली चलती रहती है, अपने मजे में चलती रहती है। पर अभी आपको भी पता है कि आपने हमारी टाइमलाइन छोड़ के एक अलग ही टाइमलाइन में चले गए थे, और जिस वजह से यहाँ पे एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अभी यहाँ से आपने इनको बता दिया ना कि मैं दूसरे यहाँ से आया हूँ, और इनको पता नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली इनके टाइमलाइन में आपका कुछ काम ही नहीं था, इनके स्टोरी में आपका कुछ काम ही नहीं था, पर आप यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद ड्रीम बॉय भी एक अलग से डायमेंशन में चला गया था जहाँ पे ड्रीम बॉय का ही पूरा का पूरा वर्ल्ड था, जबकि वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मैं एक अपसाइड डाउन वाले वर्ल्ड के अंदर चला गया था, मतलब मैं वर्ल्ड समझ रहा था पर वो एक अलग सी टाइमलाइन ही थी ना। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से ये जो सीधे लाइन में बिचारी टाइमलाइन चल रही थी उसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन गए, और ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज से इनका आने जाने का जो रास्ता है टाइमलाइन के बीच वाला वो खुल चुका है। जैसे कि आपको पता ही है स्मार्टी, हम लोग एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन से आप ही ट्रैवल करके आए हो अभी जस्ट, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ये टाइमलाइन कभी ना कभी आके हमारे टाइमलाइन को भी एक साथ कोइंसाइड हो जाएगी, और तब इस टाइमलाइन से आने वाले सारे दुश्मन, सारी नॉनसेंस चीजें, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज यहाँ पे आके हमारे टाइमलाइन को खराब कर देगी, और वो ऑलरेडी होने लगा है बिकॉज अभी इतनी ज्यादा नुकसान वाली चीजें होने लगी है हमारे टाइमलाइंस के अंदर कि आपको पता ही है। तो समझे ना स्मार्टी, हम लोग उनके टाइमलाइन में गए हैं और उसकी वजह से वहां के लोग भी अभी हमारे टाइमलाइन में आ सकते हैं और गड़बड़े कर रहे हैं। यार मैं समझ गया हूं, देखो तो यार बहुत लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हिमलैंड्स का अल्टरनेट टाइमलाइन कैसे गड़बड़ हो चुका है, जो पैरेलल टाइमलाइन चल रहा है वो हिमलैंड्स का कैसे गड़बड़ हुआ, जो डेविल्स हैं वो एक्चुअली अब हिमलैंड्स में आ जाएंगे, अल्टरनेट हिमलैंड्स के हिमलैंड्स में मेन आ जाएंगे। तो यार आप लोग को समझ में आ गया, एंड जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो यार ये स्मार्टी भाई ने बोला है, आप लोग ये भी देख लो। मैं आपको अभी समझाता हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है। देखो हमारा जो ये वर्ल्ड है, जो हमारी कहानी चल रही है, जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हो, ये हमारी कहानी है, तो इसको बोलते हैं टाइमलाइन। तो आप बोल रहे हो कि अगर हम लोग किसी और की, किसी और पैरेलल यूनिवर्स की, जो पैरेलल कोई और हिमलैंड है, पैरेलल यूनिवर्स का जो हिमलैंड है उसकी कहानी पे अगर मैं चला गया, मैंने रप्चर कर दिया, तो अब वहां पर एक ब्रिज बन गया बेसिकली, वो यहाँ पर भी आ सकता है। ड्रीम बॉय भी गया था और आप भी गए थे उस अपसाइड वाले वर्ल्ड में जो आपने बताया था, और हम तीनों ने वहां पे जाके अलग अलग कांड कर लिया, और ड्रीम बॉय तो अभी तक उसी टाइमलाइन में है। इसका मतलब ड्रीम बॉय तो दो अलग अलग टाइमलाइन में चला गया, मैं सोचूं कि वो डायमेंशन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने उनकी कहानी को, जो स्मार्टी पाई को गाइस खुद लास्ट एपिसोड में तुम लोगों को पता होगा कि उस बंदे को खुद वो किंगडम अपने दम पे जीतना चाहिए था, जो कि मैंने उसकी मदद करी, तो अब गड़बड़ ये हो चुकी है कि अब जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई। दिस मींस कि दोनों की दोनों जो टाइमलाइंस है, दोनों के जो वर्ल्ड्स है, उसके बीच के जो पोर्टल्स है जो ट्रैवल करवा, ओ माय गॉड, मैं समझ गया सारे के सारे खुल चुके हैं। और मे बी आप वहां पे गए हो पर जबकि यहां पे आपका कुछ काम होगा जो आपको करना होगा हमारी नॉर्मल टाइमलाइन के हिसाब से, पर आप गए उस टाइमलाइन के अंदर। ओ माय गॉड, तो सब कुछ आगे पीछे हो चुका है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बोलना चाहते कि यार, आई होप आप लोगों को अब तो समझ में आ ही गया होगा कि अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में कैसे वर्क करता है। एंड यार जो लोग एवेंजर्स के फैन होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा, एवेंजर्स की मूवी जो लोग देखते होंगे उन लोगों को पता चल गया होगा पहले से ही कि वो लोग कैसे टाइमलाइन वर्क करता है। एंड यार आज के लिए बस इतना ही यार, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। अगर आप लोग के कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना।